हाय एवरीवन, आज बात करेंगे रिस्क कंट्रोल की। आज बात करेंगे एक अच्छे कॉक की कि आप अपने अच्छी कॉक की हेल्प से अपनी बॉलिंग को, अपने रिस्क को अच्छा कंट्रोल करके एक अच्छा लेग स्पिनर, अच्छा स्पिनर बन सकते हैं। तो वीडियो को अधूरा मत देखना, बहुत काम की वीडियो होने वाली है गाइस। हाय क्रिकेटर्स, आज मैं लेग स्पिनर के लिए आया हूँ और आज का टॉपिक थोड़ा सा खास रहेगा। थोड़ा सा अपर बॉडी पे बात करेंगे, अपर बॉडी पे बॉलिंग आर्म पे बात करेंगे। और बॉलिंग आर्म जो बॉलर्स, जितने भी बॉलर्स लेग स्पिनर जो अपने बॉलिंग आर्म है उसमें कॉक करते हुए कितना अच्छा करते हैं और क्या कमियाँ करते हैं, जिस कारण उनमें कुछ ऐसे फॉल्ट्स क्रिएट हो जाते हैं कि उनकी बॉलिंग में एकदम से चीज़ें गलत होने लगती है। तो आज मैं इसी के लिए आ गया हूँ। तो गाइस, इस पे ही चर्चा करेंगे, जरा चैनल पे बने रहना। यूसुफ मंसूरी, क्रिकेट कोच। आज का टॉपिक पता क्या है? व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉक इन बॉलिंग। कि अगर आपके रिस्ट अच्छी कॉक होती है, आपके रिस्ट लॉक होती है एक पोजीशन में, तो वो आपके कंट्रोल में रहती है। तो इस चीज़ पे चर्चा करेंगे। और ये चीज़ अगर आपने समझ ली तो आपकी जो गलतियाँ हो रही हैं जिस पे मैं अभी बात करने वाला हूँ, और जो कमियाँ हो जाती है बॉलिंग पे, तो उन्हीं पे चर्चा करेंगे। आज का जो टॉपिक है ना कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉक, जो जितने भी स्पिनर है, लेग स्पिनर है, कि कॉक में कितना मतलब एडवांटेज रहता है अगर वो आपका अच्छा है, और इसके ना होने से, इसके ठीक से यूज़ ना होने से क्या क्या कमियां होती है किसी लेग स्पिनर में, किसी बॉलर में। अगर इस चीज़ को आज आपने समझ लिया तो जो बच्चे इस चीज़ को मतलब उनका रिस्क फॉल हो जाता है बॉल डालते वक्त, अब ऑटोमेटिक अपने आप फ्लोट हो जाता है, मतलब जब वो फ्लोट करना भी नहीं चाहते और अपने आप बॉल फ्लोट हो जाता है, छोटा गिर जाता है। तो इस चीज़ पर चर्चा करेंगे, और ये चर्चा करनी ज़रूरी है क्योंकि ये प्रॉब्लम भी मैंने कई लेग स्पिनर्स में देखी है। और अगर नहीं भी है और उसके बाद भी अगर आप इसको अडॉप्ट कर लेंगे तो मुझे लगता है कि आप अपनी रिस्क को अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। और वही चाहिए किसी भी एक अच्छे लेग स्पिनर को, अगर आप अपनी रिस्क को अच्छे से यूज़ करना जानते हैं, आपकी रिस्क के अंदर आपके मुताबिक आपके रिस्क वर्क कर रही है, तो मुझे ये रहेगा कि आपकी फ्लोट जब ही होगी कि जब आप करना चाहेंगे, अदरवाइज़ आपका बॉल ऊपर से निकलेगा, जैसे कि एवरी लेग स्पिनर का निकलना चाहिए जितने भी क्लासिकल स्पिनर है। तो गाइस, मैं बात कर रहा था बॉलिंग कॉक और अपने कॉक को लॉक करना, अपने रिस्क को लॉक करना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये लॉक अच्छे से है और जब आप रिलीज पॉइंट पर पहुँच रहे हैं, अपनी तरफ पुश कर रहे हैं ऐसे, ये अपनी ये जो आपका शोल्डर है, आपकी चेस्ट है, आप राइट हैंड राइट साइड वाली, इस पे ऐसे पुश करते हैं और उसके बाद बॉल को छोड़ते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपका रिस्ट गिरेगा या आपका रिस्ट विदाउट आपकी परमिशन के फ्लोट हो जाएगा। तो ये चीज़ पे समझना बहुत ज़रूरी है किसी भी बॉलर के लिए। शेन वॉन हो गए और अमित मिश्रा हो गए और यूजी चहल हो गए, तो ये लोग बड़ा अच्छा यूज़ करते हैं, पूरा ऐसे रहता है उनका हाथ और ये पूरा ऐसे चढ़ के डालते हैं। कभी भी देखना उनका जो रिस्ट है, रिस्ट ये जो बॉल है टूवर्ड्स द चेस्ट होता है ऐसे, और ये कॉक करते हो अपनी तरफ, अपने रिस्ट को ऐसे पुश करते हैं। ये मैं आपको साइड व्यू से दिखाता हूँ, ये ऐसे पुश करते हैं, तोड़ते हैं बॉल। और ये चीज़ आपने भी करनी है, आप जिस बच्चे का नहीं होता तो इसे करना है। और भी एक और चीज़ बोलना चाहूँगा इसके साथ साथ, कि कोई कोई बच्चे होते हैं कि वो कॉक थोड़ा ऐसे कर रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। कई बॉलर्स आपने देखे होंगे कॉक ऐसे की जगह ऐसे, तो इसमें मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूँ। इस वीडियो का जो मेन चीज़ है ना, ये वाली चीज़ है कि कई बच्चे अगर नेचुरली ऐसे कॉक कर रहे हैं, उन्होंने रिस्क को कंट्रोल कर रखा है, रिस्क को लॉक कर रखा है और उनका रिस्क उनके कंट्रोल में है, तो उनको ज़रूरी नहीं कि इंडिकेट ऐसे ही करना, वो ऐसे करके भी कैरी फॉरवर्ड, ठीक है ना। जो मैं बात कह रहा हूँ आपको समझनी है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना क्योंकि मैं एक टॉपिक को उठाऊंगा, इसको कैसे करना चाहिए, कॉक में क्या चीज़ें रहती है, ताकि आप चीज़ों को मिस ना कर पाएं। अधूरा ज्ञान आपके लिए हानिकारक रहेगा, तो वीडियो को पूरा देखें। डेमो करके दिखाता हूँ कि आपको, अभी मैंने पूरा यार्ड नहीं कवर किया बिकॉज मैंने माइक का यूज़ किया हुआ है तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो मैं छोटे यार्ड से आपको करके दिखा रहा हूँ, आपने पूरे यार्ड से करनी है चीज़ें। तो आप देखते रहना कि जो कॉक कर रहा हूँ इसमें मैं बॉल रिलीज़ भी करूँगा और फ्लोट भी करूँगा और आपको बताता जाऊँगा। ये देखिए लेग स्पिन हुआ ही, एकदम रिस्ट मेरा कंट्रोल में रहता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, और आपका भी रहेगा आप जब इन चीज़ों को फॉलो करेंगे। ये देखिए बहुत बढ़िया छूट रहा है। अब इसी में मैं देखो अपनी रिस्ट को फ्लोट करूँगा आगे, क्योंकि आपके रिस्ट अगर आपके कंट्रोल में है तो चीज़ें बहुत बढ़िया होगी। ये देखिए ये जो पाम है सामने की तरफ करना है अपनी रिस्ट को कंट्रोल करके, तो वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये बॉल मैंने ऐसे छोड़ा, पाम मतलब बैट्समैन की तरफ, जस्ट लाइक ए फ्लिपर डिलीवरी। और ये देखिए फिर से मैंने लॉक किया और ये सामने से छोड़ दिया, विकेट छोटा है, ऊपर जा रहा है बॉल, बट कोई बात नहीं, मेरा मकसद है कि आपको मैं रिलीज पॉइंट दिखा पाऊँ। ये देखिए फिर से देखिए आप, अब यहाँ सामने से आ जा,
बहुत बढ़िया, ये देखिए बहुत अच्छा स्पिन हो रहा है बॉल। अभी मैं आपको स्पिन और दिखाता हूँ, 18 यार्ड्स पे है, थोड़ा मैंने पीछे से ले लिया कि आपको क्लियरिटी दिख जाए। आपको आप देख सकते हैं कि रिस्ट बड़ा कंट्रोल में है, और ऐसा आपका भी आ जाएगा अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे जो कि मैंने वीडियो में बताई है। देखिए ये सॉलिड, और ये देखिए कितना अच्छा स्पिन हो रहा है बॉल, सारी चीज़ें कंट्रोल में है। एक बॉल और देख लीजिए, देख सकते हैं आप सब चीज़ें ठीक हो रही है। मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा इस कॉक में, जब भी आप कॉक करते हैं ना, तो मैंने पहले ही बोला कि आपको अपनी तरफ खींचना है, और इसके साथ साथ ना आपकी रिस्ट अच्छी होनी चाहिए। देखिए आपकी रिस्ट जब भी कंट्रोल में रहेगी, और आप अच्छे कॉक को जब भी कर पाएंगे अपनी तरफ, तभी पुश कर पाएंगे कि आपकी रिस्ट में ठीक ठाक जान हो। और वो कब आएगी कि आप फोर आर्म्स की एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा रिस्ट की ऐसे स्माइली बॉल से कीजिए, ठीक है। अगर बॉल भी नहीं है तो ऐसे आपने अपनी मुट्ठी को धीरे धीरे दबाना है, फिर रिलीज़ करना है। इससे क्या है कि आपकी रिस्ट वर्कआउट हो रही है, आपका ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो रहा है फिंगर्स का, और इससे कहीं ना कहीं आपकी ग्रिप अच्छी होगी। जब ग्रिप अच्छी होगी, आपकी पकड़ मजबूत होगी, तो मुझे नहीं लगता आपका रिस्ट फॉल होगा, क्योंकि ऑल अराउंड ना कोई भी चीज़ अडॉप्ट कर रहे हैं, स्ट्रेंथ का बड़ा खेल है। अगर आपके पास ठीक ठाक जान है किसी भी काम को करने के लिए, तो जो भी चीज़ आप टेक्निकली बायोमैकेनिकली आप अपने को अडेप्ट करना चाहते हैं, फिजिकल लेवल पे करना चाहते हैं, तो आपकी चीज़ें वर्क करती है ऑटोमेटिकली। बट उसमें वो तरह की स्ट्रेंथ होनी चाहिए जैसे कि कम से कम चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करें, जो भी जिस चीज़ पे यूज़ हो रहे हैं, तो उससे आपको जो मैं कॉक वाला चीज़ बता रहा हूँ, आपकी रिस्ट आपकी कंट्रोल में रहे, आप जब चाहे जब फ्लोट करें, जब चाहे बॉल आपके मतलब ऊपर से निकले, मतलब बिगर आपकी ना चाहते हुए बॉल फ्लोट ना हो जाए, छोटी ना गिर जाए, तो ये चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है। इससे आपको बड़ा बेनिफिट मिलेगा। फिर से मैं एक बार डेमो करके दिखाता हूँ आपको, ये ऐसे खींचना है और ऐसे फिनिश करना है बॉल। ये रिस्ट आपका नहीं गिरेगा जब ये स्ट्रांग रहेगा, स्ट्रांग कॉक रहेगा, और ये अच्छे लॉक को क्रिएट करेगा, और वो लॉक आपकी मर्जी से चलेगा। जब आप फ्लोट करेंगे तो रिस्ट से फ्लोट होगा बॉल, जब आप छोड़ेंगे तो छूटेगा। और अदरवाइज़ जिन बच्चों में कमियां रहती हैं, उनका समटाइम अपने आप बॉल छोटा गिरता है, अपने आप बॉल फ्लोट होता है। तो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई, अगर आप इन पर काम करेंगे तो मुझे लगता है कि आप एक अच्छे कॉक को कर पाएंगे, और ये कॉक आपकी रिस्क को कंट्रोल करने में बड़ी हेल्प देगा। और जब आपकी रिस्क कंट्रोल होएगी, तो आपको पता है कि आप रिस्क स्पिनर हैं, तो आप अपनी रिस्क को अच्छे से यूज़ कर पाएंगे, और फिर आप जेन्युइन रिस्क स्पिनर कहलाएंगे अगर लेग स्पिनर की बात। हाँ, तो गाइस मुझे लगता है कि आज का जो टॉपिक था जो मैंने उठाया, ये आपको पसंद आ गया होगा। तो जो भी बच्चे चैनल पर नहीं जुड़े हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट कर देना अगर जो भी चीज़ आपको समझ आ रही है, और भी चीज़ें पूछना चाहते हैं। तो इससे रहता क्या है कि मुझे भी पता रहता है कि मेरी ऑडियंस एक्टिव है, मेरे जो प्लेयर्स हैं, मेरी जो फैमिली है जो मेरे से अटैच है चैनल के थ्रू, वो एक्टिव है। और बेल आइकन यार ज़रूर दबाना, वो चीज़ आप करते नहीं हो, जिस कारण से क्या होता है ना, आपके यहाँ नोटिफिकेशन नहीं पहुँच पाता है। तो आप एक्टिव रहेंगे, मैं एक्टिव रहूँगा, तो आपका काम बनता रहेगा, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं बेस्ट से बेस्ट चीज़ आपको सर्व कर पाऊँ इस चैनल के थ्रू, और आप लोग अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते जाएं, चाहे वो लेग स्पिन की बात हो, चाहे खेल के किसी भी डिपार्टमेंट की बात हो। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू गाइस।